सो so गाइज यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उनमें इन गिवन इन ऑप्शन में से क्या होता है ठीक so है सो गाइज रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स रहती हैं जिनके पास फ्री एल्डोस या फिर कीटोस ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है स एलडी हाइडिया कीटोन ग्रुप ठीक है तो so गईस ये जो शुगर्स होती है दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं गाइस वो रहते हैं रिड्यूसिंग जैसे कि ग्लूकोज रक्टोज एटसेट्रा ठीक है तो अगर हम इनका रिएक्शंस करवाएं जैसे कि मेरे पास ये मोनोसेक्राइट शुगर है ठीक है इसका मैं रिएक्शन करवाती हूँ फेलिंग्स सल्यूशन से ठीक है तो गाइज़ फेलिंग सल्यूशन में क्या होता है कॉपर आयन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो ये जो शुगर होती है गाइस अभी नॉर्मली ये जो सल्यूशन होता है ये होता है ब्लू कलर का क्योंकि इसमें कॉपर आयन्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो so गाइस ये जो शुगर होती है ये एक्ट करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करता है शुगर के एल्डोस को एल ग्रुप को चेंज कर देता है टू सीओ एच ग्रुप ठीक है और ये जो शुगर होती है ये इसको क्या करती है ये रिड्यूस कर देती है इसको ठीक है तो जो कॉपर सोल्यूशन रहता है कॉपर सेकेंड इट इज रिड्यूस टू सी वन मतलब यहाँ पे हो जाता है रिडक्शन यहाँ पे अभी कॉपर टू पॉजिटिव स्टेट में था अब यहाँ पे कॉपर जो है वो वन पॉजिटिव स्टेट में है तो ये जो सल्यूशन हो जाता है ये कैसा हो जाता है रेड कलर का ठीक है और हमारे जो शुगर में एल या कीटोन ग्रुप रहता है वो चेंज हो जाता है किस में वो चेंज हो जाता है हमारे सी ओ ओ एच ग्रुप में ठीक है तो so गर्स ये होती है हमारी रिड्यूसिंग शुगर तो गाइज इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सी फ्री एल्डोज या फ्री कीटोज ग्रुप इज प्रेजेंट इन रिड्यूसिंग शुगर थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार पर